जोधपुर अनीता हत्याकांड जिसको करीब 17 दिन हो चुके हैं, शव का पोस्टमार्टम भी हो चुका है, लेकिन अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। और वहीं अनीता का जो पुत्र है उसने पुलिस को चेतावनी दी है कि अगर जोर जबरदस्ती अगर शव का जो अंतिम संस्कार करवाया गया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। अभी देखिए, आज करीब 17 दिन हो चुके हैं जो अनीता के टुकड़े हैं उनको एम्स की मोर्चरी में रखवाया गया है। वही परिजन कई मांगों को लेकर है जो अड़ा हुआ है और वही परिवार वाले धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मांगे हैं वो मानी नहीं गई है। और बात करें, अभी 17 दिन हो चुके हैं, जो शव है उसका पोस्टमार्टम भी कर दिया गया है, लेकिन दोबारा पोस्टमार्टम को लेकर परिवार जन अड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक वो सीबीआई जांच है वह भी सामने नहीं आई है। देखिए किस तरीके से, बता दें आपको कि जोधपुर अनीता हत्याकांड को लेकर है जो हत्याकांड के मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 7 दिन की रिमांड पर भेजा है। अब तक पुलिस को गुलामुद्दीन ने कई बयान दी है, लेकिन उसके बयान पलटे भी है उसने, और उसी को लेकर पूछताछ के दौरान उसके बार बार अपने बयानों को बदला। वहीं पुलिस को उसके बयानों पर संदेह भी है। पोस्टमार्टम के बाद सैंपल फॉरेंसिक लैब नहीं भेजे। वहीं अनीता चौधरी परिवार को कहना है कि जब उसका पोस्टमार्टम हुआ था तो उसके सैंपल है जो वो फॉरेंसिक लैब में अभी तक नहीं भेजे गए हैं। और वहीं बता दें आपको कि सुनीता जो उसकी सहेली है, अनीता की सहेली सुनीता और उसके पति मनमोहन की बातचीत के ऑडियो को पुलिस झूठा बता रही है। मृतक के पति मनमोहन का कहना है कि अब हमें पुलिस जाँच पर भरोसा नहीं रहा है। और बता दें आपको कि पूरा मामला है जो किस तारीख तक, जो 17 दिन हुए हैं उसी बीच क्या क्या हुआ है। 27 अक्टूबर को अनीता चौधरी की गुमशुदी परिवार वालों ने दर्ज करवाई। 29 अक्टूबर को अनीता की आखिरी लोकेशन के आधार पर पुलिस गुलामुद्दीन के घर पर पहुंची थी। और वहीं 30 अक्टूबर को आरोपी गुलामुद्दीन के घर के बाहर गड्ढे में उसका शव मिला, जिस गड्ढे को उसने 2 से 4 दिन पहले ही खुदवा के रख दिया था। और वहीं 31 अक्टूबर को अनीता के परिजन धरने पर बैठे। गुलामुद्दीन की पत्नी को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया। वहीं 4 नवंबर को अनीता की सहेली और उसके पति की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई। और वहीं 7 नवंबर को हत्या के आरोपी गुलामुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। और वहीं 12 नवंबर को गुलामुद्दीन के घर से हथियार बरामद किए गए। 13 नवंबर को पुलिस ने अनीता के शव को पोस्टमार्टम कराया और 16 नवंबर को अनीता के बेटे ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। अब कहा जा रहा है कि पुलिस जोर जबरदस्ती करके अनीता का पोस्टमार्टम तो करवा दिया है, लेकिन अब है जो उसका अंतिम संस्कार करवाना चाहती है, लेकिन उनके पुत्र ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले को लेकर क्या आगे कार्रवाई होती है। आप लगातार जुड़े रहिए द खटक के साथ। मैं आपका साथी राजेंद्र, धन्यवाद।